मक्खन की दाल भीगी हुई है और नारियल बहुत सॉफ्ट है ना, तो एक साथ ही पीस रही हूँ वरना मैं। और ये इसके साथ बनाया दोस्तों मैंने रायता, इसमें खीरा, तो इसको फ्रिज में मैंने अभी रख दिया है। तो अभी निकला पानी, निकल रहा है, काफी पानी था इसमें जब आवाज आई थी। बिग बास्केट से दोस्तों जो मैंने नारियल मंगाया था ना वो मैंने चेंज कर लिया और ये दूसरा मंगवाया है। पानी तो बहुत है इसमें, है ना, काफी पानी है। दिखा इधर तो कर, निकल रहा है, साइड कर थोड़ा। हाँ पानी है भाई, पानी तो काफी है इसमें। किससे मंगाया? नहीं, बिग बास्केट से मंगाया है। देखो और निकल रहा है, निकल रहा है ना। पानी बिखर गया नारियल का थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पर मैंने इडली का जो बैटर है ना वो भिगो कर रखा हुआ है दही में, ये वाला, ये देखो कैसा हो गया ना, कितना गाढ़ा। अभी इसमें और पानी मिला के ना इसे ठीक करूँगी, और इनो भी रखा हुआ है, बाद में इनो डालूँगी। और यहाँ पे मैंने भिगोई हुई है चने की दाल को भून कर, तो चटनी बनाऊँगी नारियल की। तो अभी नारियल कुशल ने तोड़ दिया है तो बस अभी उसको निकाल लेती हूँ। ये जो काम है ना दोस्तों नारियल निकालने वाला, ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, इसमें से नारियल को निकालना बड़ा मुश्किल है। और देखो नारियल कितना कच्चा और कितना अच्छा निकला ये वाला, है ना। तो यहाँ पे चटनी में हरी मिर्च और अदरक, ये दोनों चीज़ मैंने डाल दी है, और नारियल है और चने की दाल है। चने की दाल भीगी हुई है और नारियल बहुत सॉफ्ट है ना, तो एक साथ ही पीस रही हूँ वरना मैं अलग अलग पीसती हूँ। तो बस अभी जो है ढक्कन बंद कर देती हूँ और फटाफट से इनको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी चटनी जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ऊपर से तड़का भी मैंने लगा दिया है चटनी पर। और दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने इडली बनाने के लिए जो कुकर है उसको चढ़ा दिया है, और इधर देख लो ये जो बैटर है इसको मैंने पतला भी कर लिया, और इसमें मैंने इनो भी डाल लिया है। तो बस अभी जो है इस पूरे बैटर को मैं सांचों में डालने की तैयारी कर रही हूँ, और आपको दिखाऊंगी इडली कैसी बनती है। और बहुत ही यम्मी इडली बनती है ये वाली, और मुझे कभी कभी ये वाली इडली भी बहुत अच्छी लगती है, जो MTR का पैकेट आता है ना इडली वाला, वो पैकेट वाली भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो दाल वाले बैटर की इडली होती है ना वो भी अच्छी ही बनती है, लेकिन कभी कभी ये वाली खाने का भी मन करता है तो फिर मैं ये भी मंगा लेती हूँ। तो ये वाली जो है आज बन रही है मेरे घर में, तो यही है हमारा रात का डिनर, तो यही सब खाएंगे हम। तो ये रख दी है मैंने, इसे ढक देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। और गर्मी में दोस्तों ज़्यादा कुछ ऐसा खाने का मन नहीं करता हैवी, तो ऐसा ही कुछ खाने का मन करता डिनर में। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी गर्मी हो या सर्दी हो हम डिनर थोड़ा हल्का ही बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी डिनर हम लोग नहीं करते हैं। तो इडली बन रही है, 10-12 मिनट लगेंगे, इतने मैं कर लेती हूँ और बाकी के काम। तो इधर जो है शाम हो रही है अभी, तो इडली का जो बैटर है वो मैंने बनने के लिए रख भी दिया है, और बन जाएगा इतने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म इडली भी नहीं खाई जाती, तो ये तो बनाकर मैं रखने वाली हूँ डिनर के लिए सारा सामान। और यहाँ पर जो है बर्तन कर रही हूँ, थोड़े से बर्तन हो गए थे शाम के, तो मैं मान चुकी थी, लेकिन उसके बाद थोड़े से ये हो गए थे, जैसे ग्लास थे थोड़े और चाय का बर्तन था, तो ये सब हो गए थे। तो मैंने सोचा ये मांझ कर साफ करके रसोई क्लीन करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा जो कुछ जो है काम नहीं है किचन का। और इसके बाद जो है 7:15 का टाइम हो रहा है ये, तो अब मैं पूजा करूँगी। बर्तन हो गए हैं क्लीन, और ये कूड़ा फेंक दूँ, और आज कूड़े का डब्बा पूरा भर गया है दोस्तों, पूरा भर गया एकदम। तो इडली को बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेती हूँ।
तो देख लो आप, अच्छे से फूल गई है। और चेक करने के लिए इसमें ना एक चाकू से चम्मच से आप चेक कर सकते हैं। अगर चम्मच या चाकू पे आपकी इडली नहीं चिपकती ना, तो समझ लो फिर पक चुकी है अच्छे से। तो बन गई है, निकाल दिया, थोड़ी हवा लगने दूंगी। जो बैटर है ना, ये भी मैं बस डालती जाऊंगी और साथ साथ जो है इनको निकालती जाऊंगी। अभी थोड़ी हवा लग जाए फिर निकालूंगी। अगर पहले ही निकाल दी ना तो ये चिपक जाती हैं, तो हल्की सी इनमें हवा लग जाएगी तो फिर निकाल लूंगी। और यहाँ पे सुनिया को देख लो, अभी जो है दोस्तों टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में 10 मिनट है। और सुनिया देखो कैमरे से ना बहुत ज़्यादा डरता है, पीछे चला गया। अभी इधर बैठा हुआ खा रहा था, क्या खा रहा था सुनिया दिखाइयो, खीरा खा रहा था सुनिया। सुनियो खीरा खा रहा था बाबू मेरा, सुनियो खा रहा था खीरा। और जैसे ही मैं कैमरा आगे लेके जाती हूँ ना, ये देखो ये डरता है। और इधर दोस्तों अभी टीवी चलाकर बैठी थी, बस काम निपटा था मेरा। आज कपड़े तो मैंने नहीं धोने थे, आज है ट्यूसडे तो कपड़े मैं नहीं धोने वाली थी। तो ये जो कपड़े कल के रखे हैं ये अभी समेटूंगी बैठकर। और अभी आया था पापा जी का फ़ोन, तो उन्होंने कल जाना है बीकानेर, तो जो उनके फ्रेंड है वो भी उनके साथ जाएंगे एक, और वो आज रात हमारे घर ही रुकेंगे। तो उनके लिए मैंने खाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि पापा जी बोल रहे थे कि खाना खाएंगे अभी आएंगे जब, तो वही अभी मैंने जो बनाया वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने खाना बना कर रखा हुआ है, दिखाती हूँ क्या। तो ये मैंने बनाई है मंगोड़ी, मंगोड़ी की सब्जी। और ये बनाई है मैंने आलू दम, और इसके साथ मैंने बनाया है रायता, मैं अभी दिखाती हूँ। और ये इसके साथ बनाया दोस्तों मैंने रायता, इसमें खीरा टमाटर प्याज वो डालकर बनाया मैंने रायता ये वाला। तो इसको फ्रिज में मैंने अभी रख दिया है, तो अभी टाइम तो आते हैं तो उसके बाद मैं जो है खाना बनाऊंगी। और आटा मैंने लगा कर रख दिया है, और सब्जी जो है दोनों बनी हुई हैं, रायता हो जाएगा तो यही बनाऊंगी। अभी पापा जी का फ़ोन आया था कि उनके फ्रेंड जो हैं बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो खाना तो बना कर रख दिया है दोस्तों मैंने, बस रोटी बनानी है, जब आएंगे पापा जी तो बना दूंगी। और कल बीकानेर निकलेंगे तो फिर उसका ट्रेन का खाना जो होता है वो भी बनाऊंगी, तो वो कल बनाऊंगी सुबह सुबह ट्रेन में पैक करने के लिए। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, ये देखो रेड और पिंक ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हैं ना, वो सुंदर। और माला मैं गर्मी में ना कम पहनाती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है तो फिर ऐसे ही रहते हैं मेरे लड्डू गोपाल गर्मियों में, रफ एंड टफ। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इन्होंने पेट भर कर टुल होकर नाश्ता कर लिया है, मेरे लड्डू गोपाल ने खा लिया है। और यहाँ पर माता रानी को देख लो आप, कितनी सुंदर लग रही हैं। आज मैंने भगवान जी पर ना फूल नहीं चढ़ाए, मैं ला ही नहीं पाई छत से फूल, क्योंकि सुबह सुबह ही काम काफ़ी हो गया। सुबह नाश्ता लंच इनको बना कर फिर ये लोग गए, कुशल और ये, फिर पापा जी गए, और उसके बाद अब पापा जी का कॉल आ गया था फिर खाने के लिए कि उनके कोई फ्रेंड आने वाले हैं तो खाना बना देना। तो फिर मैंने वो बनाने लग गई, चावल उन्होंने मना कर दिए थे कि वो चावल नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने चावल से रिलेटेड कुछ नहीं बनाया, तो बस यही बना दिया है। और पापा जी ने वही कहा था वो सिंपल खाना खाते हैं और ज़्यादा कुछ मत बनाना, तो मैंने बना दिया है हल्का फुल्का जो मुझे समझ आया। तो बस अभी आते हैं तो फिर खाएंगे खाना वो। और तन्नु पढ़ रही है, तन्नु के हैं एग्ज़ाम 5 जून से, जो इसके इंटरनल एग्ज़ाम हैं कॉलेज वाले वो ख़त्म हो चुके हैं, और अब इसके एक्सटर्नल हैं तो वो 5 जून से हैं। तो फिर वही उसी की तैयारी में लगी हुई है तन्नु, तो फिर मैं उसको तो कुछ भी काम के लिए बोलती नहीं हूँ अभी। ये देखो का लगता है खीरा खत्म हो गया, खा लिया खीरा, सुनियो खीरा खा लिया नहीं, इसको इसको सारा दिन चाहिए, इसको सारा दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इस बेबी को चाहिए, हमारे बेबी को। देखो देखो
उछला उछला रहता सारा दिन। पापा जी दोस्तों आ गए हैं और मैंने खाना जो है वो लगा दिया है लंच, तो वही दे रही हूँ। तो दोस्तों अभी हो रही है शाम और मैं बना रही हूँ रात का डिनर, तो उसके लिए बना रही हूँ फुलके और उसके साथ क्या क्या बना रही हूँ वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल बना के रखी हुई है मिक्स दाल, और इधर बन रही है आलू की सब्जी सूखी, और इसके साथ एक मिनट, पूरी किचन ऐसे फैली हुई है अभी। और यहाँ पर ये बनाई है मैंने पनीर की सब्जी शिमला मिर्च प्याज डालकर, और कढ़ाई पनीर तो नहीं लेकिन हाँ पनीर की सब्जी है, कढ़ाई पनीर तो नहीं बनाया, उसका प्रोसेस दूसरा होता है, मैंने सिंपल पनीर की सब्जी बनाई है। तो ढक देती हूँ और इसमें बनाया मैंने राइस। तो ये तीन सब्जी बनाई हैं और इसके साथ बना रही हूँ अभी मैं फुलके, और फिर खाना जो है सबको देती हूँ, डिनर करवाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों काम वगैरह सब हो चुका है और बस अब कर रही हूँ सोने की तैयारी। तो जो व्लॉग है आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और पसंद आए व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी अब कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।